हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टैली में डबल डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते वक्त। तो यहां पर हमें सबसे पहले कुछ कॉन्फिग और फीचर्स को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि लेजर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको F11 यानी फीचर्स में आना है, और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हमें आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आपको सेल्स वाउचर में आकर कॉन्फिग, यहाँ पर आप देख सकते हैं F12 कॉन्फिग में आना होगा, और यहाँ पर आपको एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा एक्टिव कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट, इसे आपको यहाँ से यस कर लेना होगा और उसके बाद कंट्रोल ए से इस विंडो को सेव कर लेना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो हम अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे, लेजर्स में आ जाएंगे, आप क्रिएट में जाएंगे। मैं एल्टर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट का एक लेजर क्रिएट किया है, आप देखिए इसे मैंने रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस में। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन डिपेंड करती है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। क्योंकि पहले डिस्काउंट लेस होगा टोटल अमाउंट में, उसके बाद आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन होगी, इसीलिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर, यहां पर आपको डिस्काउंट चूज करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मैंने यहां डिस्काउंट चूज किया। उसके बाद हमें इसे यहां पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम आएंगे वाउचर टाइप में और यहां पर हम एल्टर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको करना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके जो सेल्स वाउचर है उसमें ऑटोमेटिक सारे लेजर सेलेक्ट हो जाएं, आपको मैन्युअली सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप नहीं करेंगे जो मैं आपको यहां पर अब दिखाने वाला हूं। सेल्स वाउचर में आ जाएंगे हम, यहां पर देखिए, यहां पर आने के बाद आपको ये जो ऑप्शन है इसे यहां पर यस करना होगा, सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को यस करके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपने जो सेल्स का लेजर क्रिएट किया है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और बाकी जो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से आपको सेलेक्ट करने होंगे। और यहाँ पर आपने जो डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया है उसे सेलेक्ट करना होगा, ऑन टोटल सेल्स में रखना होगा, नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पर रिमूव इफ जीरो को यस करना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपका ये लेजर यूज नहीं होता है सेल्स वाउचर में तो ये लेजर ऑटोमेटिक हट जाएगा इनवॉइस सेव होने के बाद। उसके बाद CGST का, SGST का और फिर राउंडिंग ऑफ का, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग चूज करते हुए, नॉर्मल राउंडिंग चूज करते हुए और यहाँ पर 1 की लिमिट लगाते हुए आप इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया और क्यों करना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने सेपरेटली इसके बारे में ही बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम उसके बाद इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम आएंगे एंट्री की तरफ, अब हमें एंट्री करनी है, हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, यहां पर हम सेल्स वाउचर चूज करेंगे, यहां पर मैं डेट चेंज कर ले रहा हूं, यहां पर हम अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर सेल्स का वाउचर, यहां पर ये जो भी मैं एंट्रीज आपको बताऊंगा कॉमन लेजर्स का यूज करके बताऊंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको सारी यहां पर जो आपकी लेजर्स आपने वहां पर सेलेक्ट किए थे वो सारे आपको यहां पर शो होने लगे हैं, डिस्काउंट, CGST, SGST और राउंडिंग ऑफ का। अब मैं यहां पर कोई भी एक आइटम लेता हूं, ये मैंने आइटम ले लिया, यहां पर मैं 10 पीस डाल देता हूं 100 रुपए के रेट से। यहां पर ये डिस्काउंट का आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने फीचर्स में एक्टिवेट किया था वही है। यहां पर मैं सपोज कीजिए कि इस आइटम में सेपरेटली 5% देना चाहता हूं तो सिर्फ मेरा इसी आइटम के ऊपर ये 5% एप्लीकेबल होगा। यहां पर मैंने 5 लिख दिया तो ये 5% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और मेरा जो अमाउंट है वो लेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक और डिस्काउंट नीचे में दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने कैश ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन को एक्टिवेट किया था सेल्स वाउचर में F12 में जाकर, उसी के कारण आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जैसे मैं मानकर चलिए अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो 2% मेरा यहां पर कैलकुलेट होने लगेगा, आप देख सकते हैं यहां पर 2% मेरा कैलकुलेट होने लगा है और ये आपका 950 रुपए के ऊपर 2% हो रहा है। लेकिन अगर मैं मानकर चलिए यहां पर परसेंटेज वाइज नहीं करना चाहता हूं, यहां पर डायरेक्ट मैं आकर 20 रुपए लेस करना चाहता हूं तो मैं यहां पर 20 रुपए भी डायरेक्ट डाल सकता हूं। तो
तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहां पर ₹20 डाले, आपको यहां पर ये जो डिस्काउंट का लेजर मैंने जो क्रिएट किया था, यहां पर ₹20 लेस हो चुके हैं, आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा। जबकि अगर आप नॉर्मल जिस लेजर में, अगर आपने वहां पर जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट चूज करने के लिए बोला था, अगर आप वहां पर डिस्काउंट चूज नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल करते, तो आपका यहाँ पर ये ₹20 नहीं आते। वहां पर डिस्काउंट चूज करने के कारण आपको यहाँ पर ये ₹20 ऑटोमेटिक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं कोई एक और आइटम ले लेता हूं, यहां पर मानकर चलिए मैं 3 पीस, ये निगेटिव में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है। यहां पर फिर मैं 1% लेस करता हूं, मैं चाहूं तो नहीं भी कर सकता हूं, अगर इस आइटम के ऊपर मुझे डिस्काउंट नहीं देना है 1%। अब यहां पर मैं ₹10 और डाल देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको ₹30 दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस इनवॉइस का प्रिंट लेके देखते हैं, और यहां पर जितनी भी मेरी कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक हो रही है, और यहां पर जो मेरा लेजर यहां पर वर्क नहीं करता, यानी कि जिसका यहां पर यूज नहीं होता, जैसे कि यहां पर मानकर चलिए राउंडिंग ऑफ का यूज नहीं होता, पैसे में मेरा कोई अमाउंट नहीं आता, तो ये जो मेरा वाउचर है सेव होते ही ये लेजर मेरा यहां से रिमूव हो जाता। अब एल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, यहां पर हम विथ प्रीव्यू के लिए एल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, उसके बाद यस करेंगे, यहां पर एल्ट के साथ जेड फॉर जूम। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपने अमाउंट डाले थे और यहां पर जो डिस्काउंट वगैरह डाले थे, सब आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और यहां पर ₹30 आपको नीचे में दिखाई दे रहे हैं जो आपने लेस किए थे, और ये जो आपको डिस्काउंट का कॉलम दिखाई दे रहा है, अगर आपके में नहीं आए तो आप जब प्रिंट करते हैं एल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, तो वहां आपको F12 यानी कॉन्फिग का ऑप्शन दिखता है, वहां पर आप जाकर उसमें से डिस्काउंट का कॉलम को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपके इनवॉइस में ये कॉलम नहीं आता है, ठीक है। और यहां पर एक बात आपने देखी होगी कि यहां पर जो मैंने टी और ये उसके नीचे जो दूसरा आइटम है, दोनों जो मैंने आइटम दिए थे, इसके नीचे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि इस पे मैंने ₹20 दिए थे, इस पे मैंने ₹10 दिए थे, तो ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टैली में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसे इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर सकें। यहाँ पर जो मैंने आइटम के नीचे जो डिस्काउंट दिया था, ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर मैंने कितना डिस्काउंट दिया था किस आइटम के ऊपर, तो इसे आप इनवॉइस में नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, टैली में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में होगा क्या कि जो आपका बायर है, जिसने आपसे परचेज किया है, उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि आपने जो ये ₹30 दिए हैं किस आइटम के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टोटल डिस्काउंट दिख रहा है कि ₹30 आपने दिए हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि आप इसे कैसे अपनी इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं अपनी इनवॉइस को, और यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं F12 में जाकर, यानी कॉन्फिग में जाकर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, यहां पर इसे यस करके हम कंट्रोल इसे सेव करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर जब हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम का एक विंडो आएगा, और यहां पर आपको दे देना है डिस्काउंट 20 रुपीज। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस आइटम के ऊपर कितना परसेंट या कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया है। उसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर भी लिख दूं डिस्काउंट 10 रुपीज, तो यहां पर मेरा इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होने लगेगा ₹10। अब हम आगे इसे प्रिंट करके देखेंगे कि ये मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। एल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और यहां पर हम चेक करेंगे, तो यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्काउंट 20 रुपीज, डिस्काउंट ₹10। तो अब इससे आपका जो बायर है उसे पता चल सकेगा कि आपने किस आइटम के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया है। अगर आपका ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जो मैंने अभी आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन का दिखाया, अगर आपके इनवॉइस में नहीं दिखाई देता है, तो आप जब प्रिंट करते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि F12 यानी कॉन्फिग में जाकर आप जो चाहे ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक एडिशनल स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, वहां पर उसे एक्टिवेट कर देंगे तो आपको इनवॉइस में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी इनवॉइस में 4 अलग अलग डिस्काउंट देने हो तो हम कैसे दे सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे डिस्काउंट के, तो यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर्स में आएंगे, और एल्टर में मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं डिस्काउंट के। यहाँ पर मैंने एडिशनल डिस्काउंट नेम से लेजर क्रिएट किया है, आप अलग नेम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अलग डिस्काउंट नेम से भी, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, इसी तरीके से कैश डिस्काउंट, आप किसी भी नेम से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट एक्सपेंस रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा वैल्यू टोटल अमाउंट में माइनस होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगा इसे लेस करने के बाद उस पर मेरी GST कैलकुलेट होगी, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखूंगा।
और क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए खर्च है, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इसे नहीं रखेंगे। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर्स मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा है, सिर्फ मैंने उस केस में यहाँ पर डिस्काउंट चूज़ किया था जो मैंने पहले आपको लेजर दिखाया जिसमें मैंने डिस्काउंट चूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि मुझे आइटम के नीचे जो डिस्काउंट देना था वही मुझे कैलकुलेशन नीचे करनी थी, यानी टोटल अमाउंट मेरा उतना ही लेस होना चाहिए था टोटल वैल्यू में, इसलिए मैंने उस लेजर में सिर्फ डिस्काउंट चूज़ किया था, सभी लेजर में हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, से टल जीएसटी डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और इसे सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैश डिस्काउंट नेम से भी लेजर क्रिएट कर रखा है, हम अंदर चल के देख लेते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं। तो हम कब डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और कब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मानकर चलिए आपने अपने कस्टमर के सामने यानी अपनी पार्टी के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी है, यानी कि आप जितनी भी आपकी पार्टी है सभी को आप इनवॉइस में कैश डिस्काउंट देते हैं और किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, तो उस सिचुएशन में आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका ये कंडीशन है अपनी पार्टी के सामने कि अगर वो आपको पेमेंट कर देगा उसके बाद अगर आप उसे गुड्स देंगे तो उस कंडीशन में आप उसे 2% कैश डिस्काउंट देंगे या जो भी परसेंटेज हो वो आप कैश डिस्काउंट के रूप में उसे देंगे, तो उस कंडीशन में ये कंडीशनल डिस्काउंट हो गया, यानी कि आपने एक कंडीशन बांध दी उस पार्टी के सामने कि अगर वो आपको कैश देता है तो ही आप इसे ये डिस्काउंट देंगे, या इसी तरीके से अचीवमेंट डिस्काउंट होती है। तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे डायरेक्ट में रखें या इनडायरेक्ट में रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कंडीशनल डिस्काउंट जो देते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में रख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी जीएसटी कैलकुलेट होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ इनवॉइस की वैल्यू कम करने के लिए, क्योंकि ये डिस्काउंट तो वो सभी को देंगे नहीं, अगर ये कंडीशनल डिस्काउंट है तो वो सभी पार्टी को तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेशल पार्टी को जो उनकी कंडीशन को फुलफिल करेगी उसे प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में वो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, यानी कि जीएसटी की कैलकुलेशन होने के बाद इस डिस्काउंट के लेजर को सेलेक्ट करते हैं ताकि सिर्फ इनवॉइस की वैल्यू कम हो सके और उसी के अकॉर्डिंग उनकी पार्टी उन्हें पेमेंट कर सके। तो यहां पर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस का केस लिया हुआ है, यहां पर सपोज कीजिए कि ये कंडीशनल डिस्काउंट है तो मैंने कैश डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहां पर मैंने ये जो जीएसटी वगैरह की कैलकुलेशन है सबको नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है। फ्रेंड्स अगर अब हम चाहते हैं कि जो हमने लेजर्स क्रिएट किए हैं डिस्काउंट के वो ऑटोमेटिक आ जाएं सेल्स वाउचर में, तो अब हमें जाकर फिर से वाउचर टाइप में मॉडिफिकेशंस करना होगा सेल्स वाउचर को। अगर आपने अलग से कोई सेल्स वाउचर क्रिएट कर रखा है तो आप उसमें करेंगे ये सारी चीज़ें जो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम आ जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ पर हम आएंगे वाउचर टाइप्स में और एल्टर में जाकर हम सेल्स वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पर फिर से हमें इसे यस करना होगा और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें सेट करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो मैंने वो डिस्काउंट का लेजर क्रिएट किया था जिसमें मैंने लेजर टाइप में आपको सेलेक्ट किया था डिस्काउंट, वो वाला लेजर मैंने सेलेक्ट किया है ऑन टोटल सेल्स। उसके बाद मैंने जो एडिशनल डिस्काउंट है यहाँ पर मैंने ऑन टोटल सेल नहीं चूज करके एज यूजर डिफाइंड वैल्यू चूज किया हुआ है, जो मैं डिफाइन करूंगा इनवॉइस में वही वर्क करेगा। उसके बाद सी जी एस टी एस जी एस टी राउंडिंग ऑफ जैसा मैंने पहले बताया उसी तरीके से। उसके बाद सबसे नीचे मैंने कैश डिस्काउंट का लेजर सेलेक्ट किया हुआ है जिसे मैंने एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में चूज किया हुआ है और इसे मैंने सेव कर लिया है। अगर आप मैनुअली ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे, यानी आप ऑटोमेटिक के लिए सेट नहीं करेंगे टैली में। हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मेरे सारे लेजर्स आपको सेल्स वाउचर में रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एक इनवॉइस क्रिएट करके देखेंगे। यहाँ पर हम आइटम डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पर मुझे डिस्काउंट देना है, अगर मैं यहाँ पर 10% डिस्काउंट दे दूँ तो मेरा 900 अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैं 100 रुपीज़ डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने जब ये लेजर क्रिएट किया था तो मैंने बताया टाइप ऑफ लेजर में मैंने डिस्काउंट चूज़ किया था, अगर मैं नहीं करता तो यहाँ पर ये अमाउंट नहीं आता। अब यहाँ पर मैं एडिशनल डिस्काउंट मैं चाहूँ तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर मुझे माइनस का यूज़ करना है, 2% अगर लिख दूं तो यहाँ पर मेरा 2% के हिसाब से कैलकुलेट होने लग जाएगा। अगर मैं मानकर चलिए परसेंटेज में नहीं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकता हूँ, -20 रुपीज़। उसके बाद मेरा सी जी एस टी एस जी एस टी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि
कि पहले मेरा 900 है, उसके बाद मेरा उसमें 100 लेस हुआ तो 800 बचा, 800 के बाद मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से डालता तो वो मेरा 800 के ऊपर कैलकुलेट होता, जो 800 रेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर मेरा 2% कैलकुलेट होता, यानी 16 रुपीज़। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 20 रुपीज़ डाला हुआ है, तो यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो हो गया है 780। उसी के ऊपर मेरा यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेरा राउंडिंग इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि पैसे में कोई अमाउंट नहीं है। अब मानकर चलिए ये कंडीशनल डिस्काउंट जो मैंने कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर उसने ये सारी चीज़ें फुलफिल की है, यानी मुझे एडवांस में पैसे दिए हैं, उसके बाद मैं उसे कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ इनवॉइस में, यानी मैंने पैसे लेने के बाद उसे गुड्स सप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं कैश डिस्काउंट दे देता हूँ, सपोज कीजिए 50 रुपीज़। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर कैश डिस्काउंट माइनस में डालना है, मैंने भूल से प्लस में डाल दिया था। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि यहाँ पर जो ये मैंने एडिशनल डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज़, इसके अकॉर्डिंग मेरी GST कैलकुलेट नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग अगर मेरी GST कैलकुलेट होती तो मेरा अमाउंट आता 70 रुपये 20 पैसे, जबकि यहाँ पर 72 रुपये आ रहा है। तो मैंने जब ये लेजर क्रिएट किया था एडिशनल डिस्काउंट का, तो वहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, उसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से ठीक करके। कंट्रोल एंटर मैं प्रेस करूँगा लेजर में जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर GST को एप्लीकेबल किया है, इसे मुझे नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पर मुझे GST सेलेक्ट करनी है और बोथ चूज करते हुए इस तरीके से एक्सेप्ट करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर GST कैलकुलेट होने लग चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेरा क्योंकि मैंने इसे पहले सेव कर दिया था, इसीलिए मेरा यहाँ पर राउंडिंग का लेजर वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से राउंडिंग का लेजर सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सेव कर दिया था और मैंने बोला था कि जब हम कोई लेजर हमारा यूज़ नहीं होता है वाउचर में और हम उसे सेव कर देते हैं तो वो लेजर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, तो अब मुझे यहाँ पर मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं सेव होने के बाद मॉडिफाई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।